हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरसेक्टरल फ्लोस क्या होते हैं, मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोस की। इंटरसेक्टर देखिए, इकोनॉमी में जो भी सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया आपका, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, तो ये सारे सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल द सेक्टर्स आर डिपेंड अपॉन द ईच अदर। तो इसी चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोस की, ये क्या होता है। नंबर वन देखिए क्या है कि द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, those are consuming the things, they are depend upon the producer, क्योंकि producer जो है वो goods और services को क्या करता है, वो उसको बनाता है, उसको produce करता है। so that the household sector depends on the producer sector for supply of the goods and services, goods और services की supply के लिए household sector जो है वो किस पर depend है, producer पर। अब producer जो sector होता है वो depend होता है household sector पर, क्योंकि वहां से उसको फैक्टर सर्विसेज मिलती है, लैंड है, लेबर है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, इसको हम फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। फैक्टर सर्विसेज के लिए ये किस पर डिपेंड होता है, ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है। अब द गवर्नमेंट सेक्टर इज डिपेंड ऑन द बोथ प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर पर और हाउस होल्ड दोनों सेक्टर्स पर डिपेंड होता है। कैसे, जैसे उसे रेवेन्यू लेना है, टैक्स से या नॉन टैक्स जो भी उसकी पॉलिसीज होती है उनसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसके लिए वो किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पर। अब प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए क्या होते हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों ही किस पर डिपेंड होते हैं, गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस के लिए है, तो प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो सेक्टर्स हैं दे आर डिपेंड अपॉन द ईच अदर, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर। चलिए अब बात करते हैं रियल फ्लोस क्या होता है और मनी फ्लोस क्या होता है। देखिए रियल फ्लो में क्या होता है, वहां पर फ्लो किस चीज का होता है, गुड्स और सर्विसेज का, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। देखिए पहले इसको समझिए, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। यहाँ पर देखिए चार जो है सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल। तो जब हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, तो दिस इज द टू सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी, जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर होगा और गवर्नमेंट सेक्टर होगा, दैट विल बी द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और फोर सेक्टर इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी, जहां पर एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाएगा। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द टू सेक्टर इकोनॉमी, हियर आर ओनली हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो पहले रियल फ्लो क्या, यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, दैट्स कॉल्ड द रियल फ्लो। अब देखिए इसमें क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड इसको फैक्टर सर्विसेज देता है, जैसे लैंड, लेबर। तो ये यहाँ इसने हाउस होल्ड ने किसे दी, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, वो उसको क्या करा, वहां पर सामान बनता है, तो गुड्स की परचेजिंग के लिए हाउस होल्ड सेक्टर किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ये डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द फैक्टर सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है फॉर द परचेजेस ऑफ द गुड्स। आगे मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी, जहां पर मनी का फ्लो हो, ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पर दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, इसको पेमेंट किया, किसके लिए, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, जो भी उसने लैंड लेबर दी थी उसके लिए उसने क्या करा, उसको पेमेंट करा प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर ने फिर इसको कैसे पैसा दिया, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड,
जो गुड खरीदा था उसकी परचेज के लिए फिर जो है पैसा इधर से उधर पहुंच गया, इसमें क्या हो गया वैल्यू एडिशन बस यहां पर हो गया। तो दिस इज द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम? देखिए इन ईच एंड एवरी इकोनॉमिक थ्री एक्टिविटीज आर कंटिन्यूअस। तीन एक्टिविटीज जो है वो रेगुलर है, नॉन स्टॉप है। कौन सी? नंबर वन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उसके बाद आपका जनरेशन ऑफ इनकम, नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर। मींस प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन लगातार होता रहता है, इनकम जनरेट लगातार होती रहती है किसके रूप में? वेजेस, इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट। और उसके बाद एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट। दीज थ्री एक्टिविटीज आर नॉन स्टॉप इन ईच एंड एवरी इकोनॉमी। सो नाउ व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो? सर्कुलर फ्लो क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो इज द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम एंड द इंटरेस्ट। इट्स कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। देखिए ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्या? कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, और फिर उसके बाद में डिस्पोजिशन और द एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम। तो ये जो है वो नॉन स्टॉप अनएंडिंग प्रोसेस है। और कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म होंगी ये भी नहीं कि इनका शुरुआत कहाँ से हुई या इनका एंड कहाँ है, ये भी इट इज टफ टू फाइंड आउट। तो बिकॉज दिस आर द कंटिन्यूअस, ये हुआ फिर ये हुआ और ये हुआ। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। मीन्स व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम? द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। चलिए अब डिस्कस करते हैं टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल मीन्स जहाँ पर दो सेक्टर हैं, केवल कौन सा? प्रोड्यूसर यानी कि फॉर्म्स और दूसरा हाउस होल्ड। ये क्या मॉडल है कि देखिए पहले हाउस होल्ड ने क्या करा कि उसको सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी या उनकी सेल करी, जैसे कि आपका लैंड है, लेबर है, ये कहाँ से मिली प्रोड्यूसर को? हाउस होल्ड से मिली। और फिर प्रोड्यूसर ने क्या करा? प्रोड्यूसर ने इसका पेमेंट इसको कर दिया, यानी कि मनी जो है वो इधर पहुंच गई। अब उसके बाद में हाउस होल्ड ने क्या करा? प्रोड्यूसर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज तैयार करी वो उसकी सेल करी और उससे पैसा फिर इधर आ गया। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ द टू सेक्टर। मीन्स सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स हो गया, ठीक है, सेल ऑफ गुड सर्विसेज वो वहां से एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा फिर वापस आ गया। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ द टू सेक्टर, जहां पर दो सेक्टर हैं, कौन कौन से? प्रोड्यूसर सेक्टर और द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये हमारा चैप्टर आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरी हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।